ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, तो ये भी आप लिख सकते हो। ये सारी चीजें अगर हमें आप लिखना होगा यहाँ पे मिसाल के तौर पर अलॉन्ग विद रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन देखनी होगी, सपोज आपको दिया होगा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन को आपको रिलेट करना है किस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ, तो फिर जो ये टू यहाँ पे है ये इसके साथ क्या होता है, ये मल्टीपल होता है, ताकि आप क्या निकाल सकते हो, किसी इंडिविजुअल की रेट निकाल सकते हो, चाहे वो रेट ऑफ अपेयरेंस हो चाहे वो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस हो। सपोज अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शाबाश, डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी माइनस, इसका माइनस है इसके साथ, तो ये टू जो है इसको क्या हो जाएगा, मल्टीपल टू इंटू शाबाश डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, इस तरह आपको याद रखना है। ये जो डेल्टा एक्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं, जब भी केमिस्ट्स को रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का दिमाग में सवाल आया, तो उन्होंने खाली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, जो इंस्टेंटेनियस रेट थी, जिनको वेरी फास्ट रिएक्शंस भी बोलते हैं, या जो वेरी स्लो रिएक्शंस हैं, उनका हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते हैं, हम खाली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का क्या है, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो उन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है एवरेज रेट, अभी तक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, ये एवरेज रेट ही था, तो दूसरा क्या है, शाबाश, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट में क्या होता है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी लार्ज टाइम के लिए निकालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं किसी फाइनाइट टाइम के लिए, किसी टाइम पीरियड के लिए हमें क्या निकालना होता है, शाबाश, रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्या निकालना होता है, किसी रिएक्शन का शाबाश रेट। मगर जब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं, उस टाइम हमें क्या, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें क्या निकालना पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये है डिफरेंस। तो जब हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट की, सबसे पहले मैं समझाऊंगा एवरेज रेट। एवरेज रेट की जो एवरेज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस बाय टू वेज, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेसड बाय टू वेज, स्टेज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा क्या है, शाबाश, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हम करते हैं, जो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो चेन निकालनी होती है, वो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, इन दिस केस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर और पी, आर हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इज डिटरमाइंड फॉर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, और हम ऐसे भी बता सकते हैं, इसके लिए जो हमें निकालना होता है वो हम क्या निकालते हैं, और फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल, और हम ये भी लिख सकते हैं फॉर फाइनाइट, और फॉर फाइनाइट किसी मखसूस टाइम में, माय फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए निकालना पड़ता है, फाइनाइट टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या निकालना होता है, कंसंट्रेशन, हियर वी आर टेकिंग क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर,
और हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट टू टाइम एट टू डिफरेंट टाइम इंटरवल। सपोज हम ऐसे लिखते हैं, शाबाश, टी वन पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वन होगी, टी टू पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, आर टू। दैट मीन्स जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, हम ऐसे लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन, टी वन पे क्या थी आर वन, टी टू पे क्या थी आर टू। क्योंकि मैंने बताया स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। टी वन रिप्रेजेंट करता है आर वन कंसंट्रेशन, टी टू रिप्रेजेंट, तो टी वन से टी टू चेंज आ गई, आर वन से आर टू चेंज आ गई, तो जो यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर होगी, लिखते हैं यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर होती है, शाबाश, डेल्टा और डिवाइड बाई डेल्टा टी। वही डेल्टा आर किसके बराबर होता है, शाबाश, आर टू माइनस आर वन डिवाइड बाई शाबाश टी टू माइनस टी वन। ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और जब हम ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राफिकली समझाने की, तो मैंने आपको समझाया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की चेंज या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की चेंज एक गिवन टाइम इंटरवल में चेक करते हैं, निकालते हैं, एक फाइनाइट टाइम में निकालते हैं, एक दो टाइम इंटरवल्स के बीच में निकालते हैं। हम सीधे बताएंगे टाइम इंटरवल के में निकालते हैं, इंटरवल में दो टाइम आते हैं। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होती है वो हम दो टाइम्स पे लेते हैं। दैट मीन हम ये देखते हैं कि टी वन पे पहले टाइम पे क्या था कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो फिर कितना कंसंट्रेशन बचा किसका, रिएक्टेंट का, तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं आर टू। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, जब रिएक्टेंट के साथ है तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, नेगेटिव साइन रखते हैं, इसके साथ भी क्या होगा, शाबाश, यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हमेशा याद रखना है, रिएक्टेंट के साथ हमेशा हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइन। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा क्या पॉजिटिव होती है, पर यहाँ पे डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे रेट के साथ क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन हम यहाँ पे लगाते हैं। मगर जब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस रेट में हम क्या बोलते हैं, जो रेट मेजर हम करते हैं वो हम पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रेट इज मेजर्ड, जो मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेसिबल टू वेज, या हम ये भी लिख सकते हैं इज मेजर्ड बाय टू वेज, इधर बाय एवरेज रेट मेथड और बाय इंस्टेंटेनियस रेट मेथड। रेट इज मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट और एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, किसी भी वक्त पे, मोमेंट ऑफ टाइम जब हम क्या निकालेंगे रेट, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं करने के लिए इंस्टेंटेनियस आईएन, इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी मखसूस टाइम के लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम लार्ज टाइम में नहीं निकालने की कोशिश करते। यहाँ पे डेल्टा टी हम क्या लिखते हैं, इट टेंड्स टू जीरो। सपोज व्हेन इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। जब टाइम क्या हो जाएगा, बहुत कम टाइम इंटरवल में जब हमें टाइम पानी मिलेगी, इसको बोलते हैं।